हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल. वेलकम टू सैनिक इंस्टीट्यूट वंस अगेन. हम मैथ्स की एक टॉपिक कवर कर रहे हैं जिसके अंदर हमारा ये टॉपिक चल रहा है एवरेज. एवरेज का पार्ट नंबर 2 हमें करना है. तो पार्ट 1 कल मैंने डिस्कस कर दिया था इंट्रोडक्शन के तौर पर. आप उसे देख सकते हैं. उसको देखने से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है. एवरेज से एक या दो क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. तो एवरेज में कल मैंने उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी ढेर सारे बताए थे जिसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम्स में अच्छे नंबर ला सकते हैं. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन और देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि कल हमने काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चन कर लिए थे और काफ़ी चीज़ें मैंने आपको समझा दी थी. तो आज उसी के आगे बढ़ेंगे. और देखिए, यदि क्वेश्चन दिया है सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन ही सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं. और मैं जब पेन से करता हूँ तो आप भी लोग भी पेन का यूज़ करिए. वीडियो को जस्ट वॉच नहीं करिए, आप उसके क्वेश्चंस वीडियो पॉज करिए, उसको करिए, सॉल्व करिए. सॉल्व करने से ही आपको समझ आएगा. ठीक है. आप ये ना माने कि हाँ, आपने क्वेश्चन देख लिया, सर ने समझा दिया, मैंने समझ लिया. दिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ ऑनलाइन स्टडी. ठीक है. ऑफलाइन इज मच बेटर. रीजन बेइंग, टीचर खड़ा होता है, वो आपको जबरदस्ती करने को कहता है. यहाँ ऑनलाइन है, आप वीडियो आगे करके फॉरवर्ड करके आप आंसर देख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लास. ऑनलाइन क्लास को मैं हमेशा ऐसा ही अच्छा नहीं मानता आया हूँ, बट एज द एंड कंडीशन हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया है. ठीक है. बट मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ कि जस्ट आप क्वेश्चन देखिए, उसे सॉल्व करिए, तब आगे बढ़िए, है ना. ऐसे वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है. आप लोग मूवीज देख लेते हैं, मूवीज देखने से कोई बेनिफिट नहीं होता है. ये मूवी नहीं है, ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं जो आपके करियर के लिए आगे बहुत ही हेल्पफुल हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन देखिए, पॉज करिए, उसे देखिए, सॉल्व करिए. ठीक है. एज आप मान के चलिए, हमारे भले ही 25 और 30 मिनट्स के लेक्चर्स हैं. बहुत से दो पेरेंट्स ने कॉल करके कहा था, सर 25 मिनट. अरे, ओरिजिनल क्लास में जो लेक्चर्स होते हैं ना, वो 15 मिनट्स के ही होते हैं. यहाँ तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा. अगर 1 आवर का क्लास ले ली तो वो समझ लीजिए 2 से 3 घंटा आपका बच्चा बैठ करके देखेगा. सिंपली आप समझने की कोशिश करिए मैं क्या कह रहा हूँ. इतना ज़्यादा पढ़ाने से आपका बच्चा उसी वीडियो को 4 घंटे देखेगा, तब भी समझ नहीं आएगा. दैट्स वाई 25, 30, 35 मिनट्स की वीडियोस होती हैं. वीडियो नहीं है जो देखा और ख़त्म करे. इट्स मैथ्स. मैथ्स आप समझिए, अगेन आई रिपीट, इट्स मैथ्स, नट मूवी नहीं है ना. तो काइंडली जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें पॉज करिए, आप देखिए. ठीक है. तो द एवरेज ऑफ 5 टर्म्स इज 50, क्वेश्चन लिखा है. द फर्स्ट फर्स्ट 4 टर्म आर 45, 42, 119 एंड 84. वट विल बी द लास्ट टर्म. तो कोई बात नहीं, हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. कल मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया होगा, दैट वॉज दिस, की एवरेज है ना. तो देखिएगा एवरेज क्या होता है. एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ नंबर और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर. कल मैंने ये बताया था, टोटल नंबर. बट यहाँ पे 5 टर्म्स दिया है और एवरेज दिया है 50. दैट मीन्स मैं यहाँ नोट कर लूँगा, एवरेज मेरे को कितना दिया है, इट इज 50. और क्या दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी है मेरे पास में, 5. तो यहाँ पे हम सम ऑफ नंबर निकाल सकते हैं. मीन्स एवरेज इंटू नंबर इक्वल टू सम ऑफ नंबर. नंबर कौन कितने हैं, 5 नंबर है. उन सबका टोटल कितना हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, एवरेज इक्वल टू a1 + a2 + a3 ।, और नीचे क्या था, n. अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, है ना. ये फॉर्मूला शुरू की ही स्लाइड में था. सबसे पहले अगर आप वीडियो कॉल का देखेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है. दैट मीन्स एवरेज इंटू एन इक्वल टू इन सम नंबरों का सम आ जाएगा. तो यहाँ पे देखेंगे हम एवरेज इंटू नंबर. क्या देखेंगे, एवरेज इंटू नंबर इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर. सम ऑफ
ऑल नंबर। तो एवरेज कितना दिया है मेरे को 50 × 5, है ना। कितने नंबर हैं, a1 + a2 + a3 + a4, ये समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, a5, ये सब नंबर्स। तो 250 सबको मिला के मेरे पास में कितना हो रहा है, 250 हो रहा है। और इसमें से चार नंबर तो ये रहे, है ना। दैट मीन्स a1, अगर नंबर वन रख दूँ मैं 45 + 42 + 119 + 84 + a5, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है, लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर मेरा a5 है ना। तो ये मैं कर लूँगा 250 = इन सबको ऐड कर दीजिए, इन सबको ऐड करिए, देखिए क्या आता है। हाँ डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, 45 + 42 + 119 + 84 आया 290। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 290 + a5, पांचवा नंबर जो हमें निकालना है। तो 250 - 290 = a5, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -40 आ जाएगा a5। बात समझ आई। तो जो हमारा आंसर आया है दैट इज -40। आगे देखते हैं, तो आगे हम देखते हैं, दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा, इजी क्वेश्चन नहीं है। अगर जिसे लग रहा हो कि हाँ इजी है तो ये इजी तो नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास में, क्योंकि क्वेश्चन है तो ऑप्शन जरूर दिए गए हैं। -40 हमारा भी आंसर आया था, इसका आंसर भी क्या दिया है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो आंसर क्या है इसका, -40। आप लोग वीडियो पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन को नोट करिए, उसे लिखिए। अच्छा, आज 6 बजे से 7 बजे तक मैं लाइव रहूँगा यूट्यूब पे ही, है ना। या तो मैं यूट्यूब पे रहूँगा या तो फेसबुक पे रहूँगा, है ना। तो आप वीडियोस ऑनलाइन देख सकते हैं, और देखने के बाद में तुरंत आप वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ये आज 6 से 7 रहेगी, जैसे यहाँ क्वेश्चन चल रहे हैं वहाँ भी वैसे ही क्वेश्चन चल रहे होंगे, या आपके डाउट्स हैं तो आप तुरंत उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल क्या कर सकते हैं कि आप जस्ट वीडियोस ऑनलाइन आ सकते हैं और मेरे साथ में डायरेक्टली डाउट्स पूछ सकते हैं। 5 बजे भी अगर मैं ऑनलाइन रहूँगा तो मैं आपको बता दूंगा, हाँ आप ऑनलाइन तुरंत के तुरंत क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश कर रहे हैं आपसे गेट टुगेदर कर देंगे, ताकि डायरेक्टली मेरी आपसे बात हो पाए, ठीक है। तो कोशिश करिए और अच्छा करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक इफ द एवरेज नंबर ऑफ ए टर्म इज गिवन टू 40। एवरेज नंबर ऑफ ए टर्म, दैट मीन्स हमें डायरेक्टली लिखना भी है साथ में, एवरेज ऑफ, एवरेज कितना दिया है, 40 दिया है। कितनी टर्म्स का है, 8 टर्म का है। तो सम हम निकाल सकते हैं, सम ऑफ नंबर इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर, यही था पिछले क्वेश्चन में था, सम ऑफ नंबर इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर। दैट मीन्स एवरेज 40 है, नंबर्स कितने हैं, 8 × 4 = 32, 320 मेरे क्या हो जाएंगे, एवरेज, तो सम ऑफ ऑल नंबर्स, मतलब ये सम कितने नंबर्स का है, 8 नंबर का है। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूँ a1 a2 इस तरीके से a8 तक, तो उन सबको मिला के मेरे पास में टोटल कितना आ रहा है, 320 आ रहा है। आगे देखते हैं, एंड द एवरेज ऑफ 6 टर्म इज 35, दैट मीन्स एवरेज ऑफ 6 टर्म इक्वल टू 35, मीन्स नंबर कितने हैं, 6, दैट मीन्स सम ऑफ 6 नंबर इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर। तो एवरेज कितना दिया है, 35 दिया, और नंबर्स कितने हैं, 6, दैट मीन्स 6 × 30, 6 × 3 = 18, 19, 20, 21, ओके। तो 8 नंबर का टोटल इतना है और 6 नंबर्स का टोटल इतना है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2,
आठ माइनस छः करूं तो मेरे पास दो नंबर बचेंगे, है ना। और टोटल 322 था, और 210 अगर मैं माइनस कर दूं, क्योंकि ये आठ नंबर टोटल है और छह नंबर्स का ये टोटल, तो आठ में से छह माइनस किया तो नंबर्स कितने बचे, दो और जीरो और एक 110। एवरेज निकालना है ना, एवरेज दो नंबर्स का टोटल 110 है, एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 10, 2 5 10 तो कितना आएगा, 55 आएगा। दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि हाँ किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे नोट करिएगा, मुझे सॉल्व करके दिखाइए। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज माय राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, बात 5 बजे की क्लास में ऑनलाइन आपको रहना है और आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब की क्लास होगी। आगे देखते हैं, द मीन क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन भी मैंने दिखा दिया आपको ताकि डायरेक्टली हम लोग इसे सॉल्व कर पाए। द मीन ऑफ फाइव नंबर इज, मीन मीन्स एवरेज, अगेन थोड़ा सा ध्यान रखिए, मीन और एवरेज में मैंने बोला था कल कोई डिफरेंस नहीं था, मीन कहो या एवरेज कहो बात एक ही है ना। द मीन ऑफ फाइव नंबर इज 28 इफ वन ऑफ द नंबर इज एक्सक्लूडेड, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 और डिवाइडेड बाय 5, अगर हम ये निकालते हैं तो हमें 28 मिलता है। ओके, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, इसमें से किसी एक को आप हटा दीजिए, द मीन गेट रिड्यूस बाय 2, तो मीन कितना हो जाता है, 28 माइनस 2, मतलब मीन कितना हो जाता है, 26, अगर हम एक नंबर को हटा दें, मतलब सम ऑफ फाइव नंबर यहां से निकल जाएगा, निकालिए सम ऑफ फाइव नंबर इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर, है ना। तो एवरेज कितना है भाई, 28, और पांच नंबर का था ये, तो 8 5 40 और 5 2 10 140, ये तो हो गया टोटल पांच नंबर का सम, और यहां से अगर एक नंबर हटा दिया गया तो 20, तो सम ऑफ फोर नंबर क्या निकालूंगा मैं, सम ऑफ फोर नंबर इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर, तो एवरेज कितना हो जाता है, 26, जब हम एक नंबर हटा देते हैं तो इनटू एक नंबर हटा तो 4, तो 6 चौके 24, 4 2 9 8 2 10, 104, तो पांच नंबर्स का सम कितना है, 140, और चार नंबर का सम 104, तो पांच में से चार गया तो एक नंबर आ जाएगा हमारा, है ना। एक नंबर वो कौन सा होगा, 6 और 3 36, देखिए 36 से क्या, ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था दिस चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी अच्छा है, उन दोनों क्वेश्चन से कहीं ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो एक बार मैं रिपीट करके वापस बताना चाहूंगा आपको, देखिए द मीन ऑफ फाइव नंबर इज 28, पांच नंबर का एवरेज जो है वो 28 है, तो टोटल ऑफ नंबर इक्वल टू 28 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा, 8 5 40 और 5 140, तो ये टोटल कह लो या सम ऑफ फाइव नंबर कह लो, सम ऑफ फाइव नंबर कितना हो गया, 140, और यहाँ सम ऑफ फोर नंबर, क्योंकि एवरेज तो कितना था, 28 था, दो कम हो जाता है, दो से कम हो जाता है, तो 28 माइनस 26 इंटू 4, 6 चौके 24, 4 2 9 2 10, तो भाई पांच लोगों के पास में 140 रुपए हैं और चार लोगों के पास में 104 रुपए हैं, तो एक आदमी जो रहा होगा उसके पास में कितने रुपए हैं, 36 रुपए हैं, सही है। कल एवरेज का मतलब क्या समझाया था, एवरेज इज द अबव और बिलो द एवरेज, एवरेज मीन्स बीच की वैल्यू होती है। ठीक है, एवरेजली सभी के पास में लगभग 28 रुपए थे, लेकिन एक व्यक्ति को जब हटा दिया गया तो 2 रुपए से एवरेज कम हो गया, तो एक जो जिसको हटाया गया था उसके पास में कितने रुपए थे भाई, 36 रुपए थे,
एवरेज से इसके रुपए 36 रुपए मतलब ज्यादा थे। एवरेज कितना था 28, और इस बंदे के पास में कितने थे 36, तो उसका एवरेज जो है दूसरे बच्चों से ज्यादा था। ओके ना, नेक्स्ट करते हैं। द मीन, मीन मीन्स अगेन एवरेज, देखिएगा ऑप्शन भी ले लेते हैं, 45, 42, 63 एंड 35। द मीन वेट ऑफ अ क्लास, दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं इम्पॉर्टेंट ही हैं, और इसको आप पढ़ते रहिए। द मीन वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट इज 45 kg। द मीन वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट 45, तो सम हम निकाल सकते हैं ना, सम ऑफ 35 स्टूडेंट स्टूडेंट सम ऑफ वेट ऑफ सम ऑफ वेट ऑफ 35 स्टूडेंट, कैसे, एवरेज इनटू नंबर। एवरेज कितना दिया है 45 kg, और स्टूडेंट्स कितने हैं 35 है, तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में टोटल द वेट ऑफ द टीचर इंक्लूडेड। अब देखो 35 तो स्टूडेंट थे, अगर टीचर आ गई तो कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। द मीन वेट इंक्रीज बाय 500 ग्राम। अब देखिए ये 45 kg था, ये ग्राम में था, दैट मीन्स 500 ग्राम मतलब 0.5 kg। अगर एक टीचर ऐड हो जाती है तो जो वेट है वो 45.5 kg हो जाता है। अगर टीचर आ जाती है तो पॉइंट, अब टीचर आधा किलो की तो होगी नहीं, मतलब उसका जो वेट है वो 35 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस अपने लिए भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, पहले 35 लोगों का हम टोटल वेट देख लेंगे, फिर 36 लोगों का टोटल वेट देख लेंगे, फिर 36 लोगों का जितना वेट टोटल आएगा 35 लोगों का हम उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमें टीचर्स का वेट जो है वो पता चल जाएगा। तो करते हैं इसको, टोटल वेट ऑफ 45 स्टूडेंट मैं लिखता हूँ, टोटल वेट ऑफ 35 स्टूडेंट कैसे निकलेगा, वही एवरेज इनटू नंबर। एवरेज कितना दिया है 45 kg, कितने बच्चों का हमें निकालना है, पहले 35 का निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 45 × 35। हाँ 45 × 35 जो है 1575 आएगा, 1575 kg। ये कितने लोगों का है, 35 लोगों का है। अब 36 का कर देते, टोटल वेट ऑफ 36 पर्सन, क्योंकि टीचर भी हमारे इंक्लूडेड है, तब ये 45.5 kg हो जाता है ना, क्योंकि 500 ग्राम एवरेजली वेट क्या है बढ़ जाता है, तो एवरेज इनटू नंबर। कितने लोगों का 45.5 है, लेकिन टीचर 25 तो 35 तो बच्चे ही थे, एक टीचर मैडम आ गई तो भैया 45.5 × 36, तो इसको देखते हैं कितना आता है 45.5 × 36, तो 1638 आ जाता है, है ना। तो 1638 हो गया। फाइंड द वेट ऑफ द टीचर, वेट ऑफ द टीचर तो 36 − 35 है ना, तो कितना जाएगा 36 लोगों का कितना है 1638, और 35 लोगों का है 1575, तो 8 × 5 = 3, और 7 × 6 = 13। 63 kg की मैडम है भैया, मैडम कितने केजी की हैं, 63 kg, ऑप्शन नंबर सी। तो मैडम का वजन, तो वह मैडम जरूरी नहीं है, अब सर भी हो सकते हैं, टीचर तो टीचर होता है, तो कितने हो जाएंगे भाई 63 kg के आपके टीचर हैं। क्वेश्चन एक मेरी तरफ से लिख लीजिए, लिखिए द वेट ऑफ 10 स्टूडेंट इज 40, एवरेज लिखिएगा, एवरेज वेट ऑफ 10 स्टूडेंट इज 40 kg। इफ वन मोर स्टूडेंट
joined, then the weight of a student, then the weight of all student averagely get increased by 500 gram. What is the weight of new student? नए वाले स्टूडेंट का क्या वेट है? इसको आप सॉल्व करके मुझे आप सेंड करिएगा. ओके, नेक्स्ट. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. द एवरेज ऑफ 50 मेंबर इज 38. इफ टू नंबर्स 45 एंड 45 आर डिस्कार्डेड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर विल बिकम. तो कोई बात नहीं, सेम क्वेश्चन है. देखिए, दिस इज स्टैंडर्ड ऑफ क्लास 6 एज वेल एज क्लास 9. क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा एवरेज चैप्टर के अंदर, है ना. और एवरेज में जो क्लास 9th के क्वेश्चंस हैं उनको हम आपको कल प्रोवाइड कर देंगे, है ना. दिस इज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ बोथ क्लास 6th एज वेल एज क्लास 9th. क्लास 9th के जो सेपरेट क्वेश्चंस हैं तो उन्हें मैं कल डिस्कस कर दूंगा, सो दैट आप इजिली उसे देख पाएं, ठीक है. दी एवरेज, और आज पांचवे की क्लास में आप रेडी रहिए 5 o'clock. इवन अगर ऑनलाइन रही तो कल से भी हम सारे लेक्चर्स ऑनलाइन ही किया करेंगे, ठीक है. आज जो है पांचवे हम चाय लेंगे, पांचवे ही लेंगे, ठीक है. उसके बाद में फिर देखते हैं कि कंटिन्यू हो पाता है या नहीं, आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पूछ पा रहे हैं या नहीं पूछ पा रहे हैं, ठीक है. दी एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 38. If two numbers 45 and 55 are discarded, the average of remaining number will become. तो जो remaining numbers हैं उनका average क्या होगा? तो देखते हैं, सबसे पहले क्या दिया गया है आपको? Average of 50 members नहीं, ये number मैं भी confused हूँ. Numbers are 38. If two numbers 45 and अच्छा total निकाल लीजिए भैया. क्या करेंगे? पहले टोटल निकाल लेंगे 50 नंबर्स का. आ जाएगा कैसे? आएगा एवरेज इनटू नंबर कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा. उसके बाद में दो नंबर्स जो हैं इसमें से माइनस कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसे 48 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. तो ब्लॉक डायग्राम आपके माइंड में क्रिएट होना चाहिए कि हाँ हमें क्या क्या स्टेप लेने हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे. एवरेज ऑफ टोटल ऑफ 50 नंबर, टोटल ऑफ 50 नंबर क्या जाएगा? एवरेज इनटू नंबर. तो एवरेज कितना है? 38. और नंबर्स कितने हैं? 50 हैं. तो 0, 8, 5 जो 40, 5 15 4 19. टोटल जो 50 नंबर का सम है वो कितना हो गया? 1900. अब दो नंबर्स ये रहे तो 45 प्लस 55, 0, 5, 4, 9 और 1, 10. ये 50 नंबर है, 50 में से दो गए तो कितने बचे? 48. और ये दो नंबर का सम कितना हो रहा है? 100. तो अगर गए तो बचे भाई 1800. 48 नंबर्स का जो सम है वो ये है. ये सम कौन सा है? यही A1, A2 ऐसे ऐसे करके A48 तक सबका सम हमें एक साथ पता चल गया. तो एवरेज का फॉर्मूला क्या था? एवरेज इक्वल टू टोटल अपॉन नंबर. टोटल कितना है? 1800. और नंबर्स कितने हैं? 48 हैं. 48 से भाग दे दो भाई, 3 छक्के 18, 3 छक्के 6, 4 छक्के 16, 1 5 0. ये तो पॉइंटों में चला जाएगा भाई. 4 3 12, 13 14 15, 4 7 28, 37.5 आएगा. क्या आएगा? एवरेज ऑफ 48 नंबर इज 37.5. किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए.
देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन दिया होना चाहिए। 36, 36.5, हमारे 37.5 है। ऑप्शन नंबर डी अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर डी है 37.5। और भाई हम तो आपका सीधा कहते हैं, कोरोना से बचना है तो घर के अंदर रहो, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, घर पे रहिए, खाइए पीजिए, हरी सब्जी का इस्तेमाल इस समय ना करें। बस मैं इतना ही कोरोना के बारे में कह सकता हूँ, आप घर पे रहिए, पढ़िए मन लगा के, खेलिए जो आपके पास में इंडोर गेम्स के लिए जो भी चीज़ें हैं, बाहर नहीं जाइए, कुछ भी सामान बाहर से ना खरीदें। और भाई मैं तो ऐसा हूँ, जाता हूँ सामान लाता हूँ पटक देता हूँ, 10 दिन मेरा 3 दिन 4 दिन सामान पड़ा रहता है, उसके बाद में मैं यूज़ करता हूँ। बाहर जाने के बाद, आने के बाद नहाता हूँ भाई, ठीक है। आप लोग समझिए ये कोरोना थोड़ा सा डेंजरस है, आप घर पे ही रहें, सेफ रहें, मोदी जी की बात मानते रहें, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की, कोई मेडिसिन इसकी अभी तक नहीं बन पाई है भाई, तो आप घर पे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। कोरोना एक डेंजरस डिजीज़ है। ये एवरेज का लेक्चर कल भी चलेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ एकदम अच्छे से करते रहें, कोई हमें टाइम की इतनी जल्दी तो है नहीं। और एवरेज जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको क्वेश्चन आते ज़रूर हैं। देखिए सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ अभी तक आए हुए हैं वो वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। 37.5 इसका आंसर हमें मिल गया था। The average income, okay, the good question. Average income of Suraj and Gopal is 3000 and that of Ajay Ajay होना चाहिए भाई, तो हम सही कर देते हैं इसे, Ajay and Vinit. Okay, Alay पढ़ लेते हैं, क्या नाम है Alay, तो नया नाम हो जाएगा और क्या। The average income of Suraj मतलब इन दोनों की average income है ये, तो टोटल दोनों की कितनी हो जाएगी, अलय प्लस विनीत, अलय प्लस विनीत की टोटल इनकम एवरेज इनटू नंबर, यही होता है ना 3000 इनटू दो, तो टोटल इनकम दोनों लोगों की मिला के कितनी हुई 6000। अब मेरी बात सुनिएगा, इसमें से हम ये नहीं कह सकते हैं अलय की 3000 और विनीत की भी 3000, ऐसा नहीं कह सकते, ये गलत है, क्योंकि हो सकता है अलग की पेमेंट 5000 हो और विनीत की पेमेंट 1000, लेकिन दोनों की मिला करके जो एवरेज आ रही है, क्योंकि एवरेज मैंने कल समझाया था, एवरेज द मिडिल वैल्यू, एवरेज के बराबर हर किसी की नहीं होगी, है ना। हाँ अज्यूम भी नहीं कर सकते हैं, मैथ से तो क्या अज्यूम मान नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन है। गोपाल सूरज और सॉरी ये सूरज और गोपाल की थी यार, सूरज प्लस गोपाल की जो एवरेज 3000 थी, तो दोनों की सूरज और गोपाल की मिला के कितनी हो गई 6000 हो गई, ठीक है। 6000 सैलरी होने के बाद आगे बढ़ते, दैट ऑफ अलय एंड विनीत इज अलय प्लस विनीत की जो एवरेज सैलरी है वो 500 है, इंटू टू दो लोग हैं इसलिए नंबर नंबर कितने दो, तो 1000 रुपए इनकी हो गई दोनों की मिला के। अब हम ये नहीं कह सकते हैं अलय की भैया 250 और विनीत की 250, ऐसा नहीं है। व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ आवर, तो कोई बात नहीं चारों की ना, कितने लोग हो गए 1 2 3 4 नीचे 4 कर दो, और चारों की टोटल कितनी है 6000 प्लस 1000, सही है ना। टोटल मिला के पेमेंटवा कितनी है 7000 है, और भैया कितने लोग हैं 4, डिवाइड कर दो आंसर आ गया 4 एकम 4, 4 7 28, 4 5 20, 1750 इज द फाइनल आंसर। तो ये चारों लोगों की एवरेज पेमेंट है। अगर हम यहां मान लेते भैया सूर्या की पेमेंट 1750, तो आप गलत हो गए ना, 3000 कैसे, ना ही 1750, ना ही 3000, ना ही 250, कुछ है नहीं,
दिस इज द एवरेज। अगर आप बहुत ध्यान से एवरेज समझ रहे हैं तो एवरेज का चैप्टर जो है हर एक जगह काम आता है। और एवरेज मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि एवरेज जो है औसत है, एवरेज नंबर्स, एवरेज स्टूडेंट, एवरेज एज हो गई आपकी, एवरेज पेमेंट हो गई आपकी, है ना। आप पढ़ने में एवरेज हैं, स्मार्ट हैं या बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, क्या है तो एवरेज, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो इसका आंसर 1750 ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे समय, समय इज ओके राइट। समय ये टाइम वाले समय नहीं है, किसी का नाम होगा। समय इज एवरेज डेली एक्सपेंडिचर इज 10 रुपया ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई, 14 रुपया ड्यूरिंग द जून एंड 15 रुपीज ड्यूरिंग द जुलाई। तो भाई ये तो झूठ बोल रहा है कि नहीं। आप 10 रुपए में तो एक ही दिन में खा लेते होगे, और ये बोल रहे हैं कि भाई मई में इन्होंने कितने रुपए खर्च किए, 10, और जून में कितने रुपए खर्च किए, केवल 14, और जुलाई में भाई साहब बोल रहे हैं केवल हमने 15 रुपए खर्च किया। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च, अच्छा मेरे, एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, खर्चा। तो ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में 10 रुपए तो भाई कुरकुरे खाया तो 10 हो गया कंप्लीट। तो इसका मतलब ये थोड़ी आप अगले 29 दिन कुछ खाओगे नहीं। हिज अप्रॉक्सीमेट डेली एक्सपेंडिचर, ये डेली का है क्या, समय एवरेज, अच्छा डेली, ओहो तब तो किस्मत वाला है भाई, डेली खाते हैं भाई 10 रुपए, अच्छी बात है, बढ़िया पेमेंट मिलती है घर से फिर, 10 रुपया, 14 रुपया, 15 रुपया, तो यार बहुत तगड़ा वाला है। हिज अप्रॉक्सीमेट डेली एक्सपेंडिचर फॉर 3 मंथ्स इज, 3 महीने का डेली एक्सपेंडिचर कितना। तो कोई बात नहीं, वही करता है जो हमने सब में किया है, देखिएगा फिर क्या लिखें। तो मई, जून, जुलाई और कितने हैं, 3 हैं, तो 3 से भाग। तो ये किसका फॉर्मूला था, एवरेज, एवरेज सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय 3। तो कितना आ जाएगा भाई, मई में कितना रुपया, 10, फिर कितने रुपया, 14, फिर कितने रुपया, 15, फिर कितना आएगा, 3, 14, 30 और 39 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 बन जाए 13 आएगा आंसर। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन आपका सही है, 13। ठीक है, ये ठीक क्वेश्चन था, मैंने ऐसा क्वेश्चन कभी सुना नहीं है, बट इट इज ओके, ऑप्शन नंबर ए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते देखिए हमें तो इतना एक्सपीरियंस है कि हम देखते ही पकड़ लेते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज हम यहीं पे खत्म करेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन करके, है ना, क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में क्लास 9th वाले में कई बार पूछ लिया गया है, 6th वाले में 2 दिन का पूछा गया, इसमें 3 दिन का है शायद। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। की क्वेश्चन क्या दिया है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। देखिए मंडे, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का एवरेज टेम्परेचर 49, तो टोटल में निकाल सकता हूँ ना, टोटल टेम्परेचर ऑफ एवरेज इंटू नंबर, एवरेज कितना 41 इंटू मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे 3, तो 3 × 3 = 12, मतलब मंडे प्लस ट्यूजडे प्लस वेडनेसडे का टोटल टेम्परेचर अगर हम काउंट, जैसे मंडे को मान लो 20 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, सबको जोड़ा तो कितना आएगा, 123 आएगा। तो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे का 123 डिग्री, ट्यूजडे वेडनेसडे और थर्सडे का इसी तरह, ट्यूजडे वेडनेसडे और थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर 40, तो टोटल इन 3 दिनों को 40 × 3, दैट मीन्स 120। तो ये कौन सा है, ट्यूजडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का कितना, 120। इसको माइनस कर दीजिए, माइनस 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 माइनस, इसमें से इतना जाएगा तो 3 आएगा, ये ट्यूसडे से ये माइनस वाला कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो मंडे माइनस ट्यूसडे कितना आ जाएगा, 30। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, अब बोला है इफ ऑन
थर्सडे टेम्परेचर वॉज 39। थर्सडे का टेम्परेचर कितना? 39 माइनस 39 इक्वल टू 3। तो इसको उधर कर दो, मंडे इक्वल टू 3 प्लस 39, 9 3 12, तो 42 डिग्री। ओके 42 डिग्री आया है टेम्परेचर, वो भी किसका? मंडे का। इस क्वेश्चन को बार बार देखिएगा, रिपीट करिएगा और फिर बात करिएगा हमसे। ए का आंसर ए, तो ए आंसर ए। ओके ठीक है, थैंक्स, होप आपको समझ आया होगा। आराम से पढ़िए, चैप्टर को रिवाइज करिए और 5 बजे मिलना ना भूलें। देयर विल बी अ ऑनलाइन क्लास। थैंक्स स्टूडेंट, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय।